तो इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो ये आपने अभी तक पढ़ा है कि कैसे हम ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, कैसे ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, और फिर कैरेक्टरिस्टिक से कैसे पोल्स निकालते हैं, और ट्रांसफर फंक्शन से कैसे जीरोज निकालते हैं, और जीरोज क्या होती हैं, पोल्स क्या होते हैं, पोल जीरो डायग्राम क्या होता है। और हमने पढ़ा है कि कैसे हम किसी भी सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, और इसके साथ साथ हमने पढ़ाया कि कैसे हम लो पास फिल्टर और आरसी लो हाई पास फिल्टर का सर्किट डायग्राम और उसका कैसे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है और उसका कैसे ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं और क्या होता है। तो अभी तक हमारा ये हुआ है, और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम को अगर हिंदी में बात करते हैं तो प्रारंभिक मूल्य प्रमेय, और फाइनल वैल्यू थ्योरम अंतिम मूल्य प्रमेय। तो आपने ये पढ़ा होगा इससे पहले मैथ में, जब आप लैपलास या फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे थे, कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम। अगर नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं। अब हम जब ट्रांसफर फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि हम ये मान के चलते हैं कि इनिशियल वैल्यूज आर जीरोज, मीन्स इससे पहले जितनी वैल्यू है उस सर्किट के अंदर वो सब जीरो है, मीन्स इससे पहले सर्किट के अंदर कोई डाटा स्टोर नहीं है, तो ये हम मान के चल रहे थे। अब वो इनिशियल वैल्यू जो मैं कई बार बता चुका हूँ कि होती क्या है वो। अब होता क्या है कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम ये क्या होती है और कैसे इसको निकालते हैं, तो इसको आप देख लीजिए। इनिशियल वैल्यू थ्योरम, पहले हम बात करेंगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम की, मीन्स प्रारंभिक मूल्य प्रमेय। अब ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी हैं, और जैसे प्रारंभिक मूल्य मीन्स प्रारंभिक मूल्य या इनिशियल वैल्यू मीन्स वो ये थ्योरम क्या करती है कि जो आपका इनिशियल वैल्यू होती है, जैसे किसी भी सर्किट में जो उसका इनिशियल आउटपुट होता है उसे निकालने में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे कि मीन्स टी इक्वल टू जीरो पे उसकी वैल्यू क्या होगी, ये उसे निकालने में हेल्प करती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि भाई इनिशियल वैल्यू हम जीरो मान के चल लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में जीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है अगर हमने उसको पहले सर्किट पर यूज़ किया है। तो इनिशियल वैल्यू की हेल्प से, इनिशियल वैल्यू थ्योरम की हेल्प से हम वो इनिशियल वैल्यू निकाल लेते हैं। अब होता क्या है कि प्रारंभिक मूल्य को अक्सर आईवीटी बोला जाता है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, मीन शॉर्ट में इसको हम आईवीटी नॉर्मली लिख देते हैं, तो इसको इसी रूप में बार बार बोला जाता है। अगर आपको कहीं पे आईवीटी मीन्स इनिशियल वैल्यू थ्योरम अगर आपको कहीं देखते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम उस ट्रांसफर फंक्शन का या किसी भी सर्किट का किसी भी फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, उसको टी इक्वल टू जीरो प्लस पर उसकी वैल्यू कितनी होगी फंक्शन की, ये निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम इसको टाइम डोमेन में निकालते हैं, जैसे कि नॉर्मली हमारा सिस्टम टाइम डोमेन में हम काम करते हैं, तो मान लिया एफ ऑफ टी कोई सिस्टम है, या फिर हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म जो निकाला हुआ वो मान लिया टाइम डोमेन में निकाला हुआ है, तो कोई फंक्शन है वो टाइम डोमेन में है, टाइम मीन्स टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के टी की टर्म्स में है। तो होता क्या है कि हम इसका हम टी इक्वल टू जीरो प्लस में वैल्यू निकालते हैं, तो वो टी टाइम डोमेन में निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम पहले उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, और लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं तो उसको उसके लैपलास लेने के बाद उसको निकालना इजी आता है। देख कैसे, अब इससे पहले क्या है कि अब हम लैपलास निकालना है, अब इसके साथ क्या है कि कुछ कंडीशंस हैं कि प्रारंभिक मूल्य या इनिशियल वैल्यू थ्योरम उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, इसके लिए दो कंडीशन है। ठीक, पहली कंडीशन ये है कि जैसे कि फंक्शन एफ टी और इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मीन्स डी ऑफ डी टी बोल लेते हैं ना, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन, एफ ऑफ टी और उसका डिफरेंशिएशन, वो दोनों के दोनों का लैपलास पॉसिबल हो, दोनों का लैपलास पॉसिबल हो, दोनों से हम लैपलास ले सकते हैं दोनों का, तो पहली कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि यदि समय टी जीरो प्लस के समीप आता है तो फंक्शन एफ ऑफ टी एग्जिस्ट होना चाहिए, मीन्स ऐसा नहीं कि हम जो जैसे ही समय मीन्स टी जीरो जीरो जैसे जीरो प्लस जीरो जीरो से हल्का सा आगे निकलता है तो वहां पे भी एफ ऑफ टी की वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन है किसी भी फंक्शन के लिए इनिशियल वैल्यू एग्जिस्ट करने के लिए। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि लिमिट एफ ऑफ टी टी टेंस टू जीरो प्लस शुड बी एग्जिस्ट, मीन्स लिमिट टी टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ टी शुड बी एग्जिस्ट, या इसको अगर हिंदी में बात करते हैं तो हम इसको कह देंगे कि टी इक्वल टू जीरो प्लस के पास जीरो प्लस पे भी एफ ऑफ टी की वैल्यू होनी चाहिए, मीन्स एफ ऑफ टी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है ना, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा ये सेंटेंस, पर इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम कोई भी फंक्शन, जब फंक्शन होता है वो फंक्शन कुछ नहीं होता, फंक्शन एक रिस्पॉन्स है किसी भी सिस्टम का,
एफ ऑफ टी हम कुछ भी लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ टी लाइक दैट, है ना, तो मैथमेटिकली हम उसको सोल्व करने के लिए लिख देते हैं, लेकिन टी टेंड्स टू जीरो प्लस पे उसकी वैल्यू एडजस्ट करनी चाहिए। इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं कि वो वहाँ पर नहीं एडजस्ट कर रहा है। तो ये इसकी दो कंडीशन है इनिशियल वैल्यू थ्योरम एडजस्ट करने के लिए किसी भी फंक्शन के लिए। अब हमने कहा है कि एफ ऑफ टी एंड एफ ऑफ टी जो है वो लैपलास, उसका लैपलास पॉसिबल हो और उसके डिफरेंशिएशन का भी लैपलास पॉसिबल हो। तो सपोज हमने माना कि जो एफ ऑफ टी है उसका लैपलास क्या है, एफ ऑफ एस है, मीन्स जो एफ ऑफ टी है इसका लैपलास क्या है, एफ ऑफ एस है, हमने सपोज कर लिया। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम मीन्स उसकी इनिशियल वैल्यू, मीन्स टी टेंस टू जीरो प्लस पे एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, ये होती है लिमिट टी टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ टी। तो इसको जब हम लैपलास के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे टाइम डोमेन से डोमेन में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टाइम लिमिट एस टेंस टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे टी टेंस टू था, इसमें देखेंगे आप यहाँ पे टी टेंस टू जीरो प्लस, ये क्या टी टेंस टू जीरो प्लस क्या शो करता है कि इनिशियल वैल्यू की हम खोजने मतलब कोशिश कर रहे हैं निकालने की, है ना। तो जब ये टी टेंस टू जीरो है, अब ये जब इसको टाइम डोमेन में हम लेके जाएंगे एफ ऑफ टी को, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एस। तो इसके साथ साथ हम क्या होगा कि जो टाइम डोमेन है वो टी टेंस टू जीरो कर रहा है, तो जो समय होता है जो एस होता है उसकी वैल्यू टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगी, अब ये इनफाइनाइट है ना। तो टी लिमिट एफ ऑफ टी सॉरी लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट एस ऑफ एफ एस, मीन्स किसी भी फंक्शन की अगर हम इनिशियल वैल्यू निकाल रहे हैं, मान लिया फंक्शन आपको एफ ऑफ टी दिया है, ठीक है ना, आपको कह दिया भाई इसकी इनिशियल वैल्यू निकालो, तो आप क्या करेंगे, पहला टर्म पहले आप करेंगे कि एफ ऑफ टी का लैपलास निकालेंगे। तो लैपलास आपको निकालना आना चाहिए, वो मैथ में पढ़ा आप लोगों ने, अगर आपको पूछता है मैथमेटिकली ये न्यूमेरिकल आ गया आपके एग्जाम में कि दिए गए फंक्शन का इनिशियल वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करेंगे पहले उसका लैपलास निकालेंगे। क्योंकि देखो अब होता क्या है कि अगर आप उसमें टी टेंस टू जीरो प्लस कर देंगे तो वो एग्जिस्ट वो वैल्यू आप निकाल नहीं पाएंगे वहाँ पे डायरेक्ट, तो क्या करना पड़ेगा आप पहले उसका टेंस टू मीन्स टी एफ ऑफ टी का एफ ऑफ एस निकालना पड़ेगा, मीन्स लैपलास निकालना पड़ेगा। फिर ये फार्मूला लगा देंगे आप, लिमिट टी टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ टी इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट एस ऑफ एफ एस, एफ एस ऑफ एस की वैल्यू आप निकाल चुके हो, पता है आपको क्या होता है, यहाँ पे आप उसको रखिए, ठीक है ना, एस एफ ऑफ एस, और जो भी होगा कैलकुलेशन कीजिए, और जब एस में कुछ कटेगा कुछ बटेगा उसके बाद जहाँ पे एस होगा वहाँ पे इनफाइनाइट रख देंगे हम, और जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी एफ ऑफ जीरो प्लस, एफ ऑफ जीरो प्लस इज नथिंग दैट इज इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, एफ ऑफ जीरो कुछ नहीं होता, ये पर्टिकुलर फंक्शन की इनिशियल वैल्यू होती है। तो इस तरह से हम किसी भी दिए गए फंक्शन की इनिशियल वैल्यू निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो ये था आपका प्रारंभिक मूल्य प्रमेय। तो प्रारंभिक मूल्य प्रमेय आपको क्या होता है इसके बारे में लिखना होगा एग्जाम में, और इसके लिए क्या क्या दो कंडीशन है जरूरी कंडीशन, ये मैंने आपको बताई हैं, ये आप इनको तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और ये अगर आपने कर ले लिया है तो उसके बाद आपको तीसरी कंडीशन ये बतानी है कि होती कैसे है। ये ऐसे इसका डायरेक्ट फार्मूला है, इसको थोड़ा सा लिख देंगे आपको क्वेश्चन कवर हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज ये कोई फंक्शन दे दिया एफ ऑफ टी इक्वल टू टू ऑफ यू टी प्लस थ्री ऑफ कोस यू टी कोस टी ऑफ यू टी एंड यू टी, ऐसे लिखा हुआ है, ये कोस ऑफ टी है, एक ब्रैकेट में एक्चुअली टी है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे भी, ये ब्रैकेट में टी है, मीन्स टू यू टी प्लस थ्री कोस टी यू टी। अब यू टी क्या है, तो यू टी मैंने पढ़ाया था आपको यूनिट स्टेप फंक्शन होता है, ये जब सेकेंड यूनिट थी आपकी उसमें बताया गया था कि यू टी इज नथिंग इट इज यूनिट स्टेप फंक्शन, और यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है कि वो फंक्शन जिसकी वैल्यू टी इक्वल टू जीरो से पहले हमेशा जीरो रहती है और टी इक्वल टू जीरो के बाद हमेशा वन रहती है, मीन्स उसकी वैल्यू क्या होती है कि जैसे टी इक्वल टू जीरो पे तो वन हो जाएगी, और टी इक्वल टू जीरो या जीरो के बाद जीरो वन टू थ्री फोर उस पर तो उसकी वैल्यू वन रहेगी, और उससे पहले उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो ये होता है यूटी फंक्शन। तो यूटी फंक्शन मीन्स एफ ऑफ टी का हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका लैपलास निकालेंगे, तो एफ ऑफ एस निकालेंगे हम। अब यू टी का मैंने बताया था आपको उस समय जब ये आपका ये यूनिट स्टेप फंक्शन पढ़ाया था यू ऑफ टी, तो उसका लैपलास होता है वन अपॉन एस, तो टू अपॉन एस आ गया, और कोस ऑफ टी का जो लैपलास होता है वो होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। ये आपने याद भी किया होगा, फिर से याद कर लीजिए, ये सिंपल ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आएगा, ज्यादा टफ नहीं होगा। अब आपने क्या किया इसको, अब इसको एफ ऑफ एस
अब हमें क्या निकालना है, देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमको s of fs निकालना है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, s of fs निकाला, मीन्स इसको पूरे को 80 मल्टीप्लाई किया। जब 80 मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे से s कट जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, इस वाले टर्म में क्या होगा, 2s² रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि अब हम क्या करने जा रहे हैं, दूसरा स्टेप, हम s की वैल्यू इन्फाइनेट रखने जा रहे हैं, s टेंस टू इन्फाइनेट, है ना। तो s की वैल्यू जब इन्फाइनेट रखेंगे, तो अब वो यहाँ पे अगर इन्फाइनेट रख देंगे हम, तो यहाँ पे इन्फाइनेट हो जाएगा, तो इन्फाइनेट अपॉन इन्फाइनेट बन जाएगा। तो ये इन्फाइनेट अपॉन इन्फाइनेट कोई वैल्यू होती नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इजी करने के लिए इसमें से s² कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से भी s² कॉमन ले लेंगे। जब इस 3s² से हम s कॉमन लेंगे, तो क्या होगा, ये 3 अपॉन s² बन जाएगा। और सिमिलरली जब इस पूरे टर्म में से s² + 1 में से s² कॉमन लेंगे, तो क्या बनेगा, 1 + 1 अपॉन s². अब यहाँ पे भी s² ऊपर आया, नीचे भी s² ऊपर आया, s² कट जाएगा, और यहाँ क्या बना, 3 अपॉन s² अपॉन 1 + 1 अपॉन s². अब यहाँ पे क्या करें, हम s की वैल्यू इन्फाइनेट रख देंगे। जब इन्फाइनेट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फाइनेट क्या होता है, 0। 1 अपॉन इन्फाइनेट होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 3 मीन्स 0, और ये भी 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ये कैसे कर देते, ओके ओके ओके, गलत क्या, गलत क्या, सॉरी 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 सॉरी, मैंने क्या बताया कि हम क्या करेंगे, s² यहाँ से कॉमन लेंगे, s² बाहर ले लेंगे, तो क्या 3 बचेगा। मैंने 3 अपॉन s² बोला था ना, ये गलत बोल दिया मैंने यहाँ पे, उसके लिए सॉरी। तो 3 अपॉन s² नहीं बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब s² कॉमन लेंगे पूरे टर्म में से, तो 1 + 1 अपॉन s² मीन्स कुछ इस तरह से बनेगा। देखो यहाँ पे ये तो 2 है ही है, इसे कुछ करना ही नहीं हमको, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे s² लेंगे तो 3 बचेगा, और इसमें से s² कॉमन लेंगे इधर, तो 1 + 1 अपॉन s² बचेगा, और s² से s² कट जाएगा, तो ये बाद में क्या आएगा, 3 अपॉन 1 + 1 अपॉन s². अब जो 1 अपॉन s² होता है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे वो स्टेप मिस किया हुआ मैंने, मैं समझाता हूँ क्या है वो। अब हम s की वैल्यू इन्फाइनेट रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ तो ऐसे ही नहीं, 2 हो जाएगा या 3, 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन इन्फाइनाइट। अब 1 अपॉन इन्फाइनाइट क्या होता है, वो हमेशा 0 होता है। 1 अपॉन इन्फाइनाइट मीन्स 0, मीन्स समथिंग अपॉन इन्फाइनाइट अगर आता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो 1 + 0 0, 1 + 0 1, तो 3 अपॉन 1 3, 3 + 2 5। तो जो इसकी इनिशियल वैल्यू है इस फंक्शन की, वो कितनी होगी, 5। तो ऐसे निकालना है इसको, बहुत ईजी है। अब देख लीजिए एक एग्जाम्पल हो रहा है, अगर हो सकता है कि आपको डायरेक्ट ये दे दिया जाए, क्या नाम, डायरेक्ट फंक्शन दे दिया, ये वाला f(s) दे दिया, इसके लिए बोला कि आप इसका इनिशियल वैल्यू निकालिए, मीन्स एक फंक्शन दिया जिसका लैपलास इसने पहले से दे दिया, ये आपका लैपलास है, तो आप इसको कॉपी में लिख लीजिए और कोशिश करें निकालने की। मैं तरीका बताता हूँ कैसे निकालना है इसको, क्योंकि देखो अब हमें क्या करना है, इसको s(fs) निकालना है। अब s(fs) क्या करेंगे, मीन्स s से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप s कर दीजिए, ठीक है ना। पहला स्टेप ऊपर में s(fs) निकालेंगे हम। अब s(fs) निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.9s × s + 1 / 2.1 s² + 5s + 16, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम वही प्रॉब्लम आएगी, अगर मैं यहाँ पे इन्फाइनेट रख दूंगा तो ये इन्फाइनेट और नीचे भी इन्फाइनेट हो जाएगा, मीन्स इन्फाइनेट प्लस वन, इन्फाइनेट कह सकते हैं उसको भी, और इन्फाइनेट प्लस समथिंग दैट इज अगर इन्फाइनेट, तो इन्फाइनेट अपॉन इन्फाइनेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे जब भी इस तरह की इक्वेशन आती है कि 1 अपॉन इन्फाइनेट हो जाए, ताकि हमारा 0 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे s की s इसमें से कॉमन ले लेंगे इस दोनों में से, तो जब यहाँ से s बाहर आएगा तो s पहले से होगा यहाँ पे, तो s² हो जाएगा यहाँ पे 0.9 s², और यहाँ हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन s हो गया। अब सिमिलरली क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन में से लेंगे हम, नीचे वाले फंक्शन में से s² कॉमन ले लेंगे पूरे में से, तो ये क्या हो जाएगा, 2.1 बचेगा, ये 5 अपॉन s हो जाएगा, और ये 16 अपॉन s², तो 16 अपॉन इन्फाइनाइट हो जाएगा, फिर 5 अपॉन इन्फाइनाइट, ये दोनों 0 हो जाएंगी, या 2.1 बचेगा, और s² यहाँ कॉमन लिया था, s² यहाँ कॉमन लिया, दोनों से कट जाएगा ऊपर से नीचे से, और ये भी आपका 1 + 1 अपॉन इन्फाइनाइट मीन्स 0, तो ये 1 हो जाएगा, मीन्स 0.9 अपॉन 2.1 इसकी इनिशियल वैल्यू निकलेगी। देखिए यहाँ पे आप, मैंने इसको किया हुआ है, इसको देख लीजिए अच्छे से दोबारा से। हमें क्या करना है, पहले s(fs) निकालना है, ठीक है ना। तो s(fs) मीन्स इसको आप अपने s से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए पहला स्टेप जो मैंने बताया था आपको। तो अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या करेंगे हम, अब इसमें से s² कॉमन लेंगे, इसको आप यहाँ पे स्टेप फिर से मिस किया हुआ है, s² यहाँ से कॉमन लीजिएगा, s² यहाँ से कॉमन लीजिएगा, जो बाद में निकल के आएगा वो 0.2 0.9 अपॉन 2.1 दैट विल बी
फाइनल वैल्यू सॉरी इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से कीजिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप मुझे जब भी खत्म कर दूंगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नोट डाउन कर लिया आपने? यस सर। ओके ठीक है, तो ये था आपका इनिशियल वैल्यू थ्योरम, तो बहुत सिंपल था। इसमें आपका एग्जाम में आ सकता है कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होती है, कैसे निकालते हैं, उदाहरण के सहित बताइए, तो आप कोई भी एग्जाम्पल लेके इजी सा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे मैंने किया है, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम में हो सकता है न्यूमेरिकल भी आ जाए। न्यूमेरिकल मीन्स इस तरह से फंक्शन दे दिया आपको, एच डोमेन में दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं आपको, अगर टाइम डोमेन में दिया तो आप क्या करना पड़ेगा, उसको पहले हमें एच डोमेन में लाना पड़ेगा, और एच डोमेन में ला के फिर ये सिंपल मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है, कोई इशू नहीं है। अगर कोई आप और भी कहीं से आपको क्वेश्चन मिलते हैं इसके आप कर लीजिएगा। नाउ सेकेंड टॉपिक है हमारा फाइनल वैल्यू थ्योरम, मीन्स अंतिम मूल्य प्रमेय। अब अंतिम मूल्य प्रमेय क्या होती है? अब अंतिम मूल्य प्रमेय भी क्या होती है कि जैसे कि किसी भी फंक्शन की लास्ट वैल्यू निकालना, ठीक है ना, मीन्स लास्ट वैल्यू मीन्स एच टेंस टू इन्फाइनाइट, मीन्स इन्फाइनाइट पे क्या वैल्यू होगी, जैसे कि ये है ना आपका मीन्स एफ ऑफ टी की वैल्यू, या हम कह सकते हैं एफ ऑफ इन्फाइनाइट, एफ ऑफ इन्फाइनाइट। जैसे यहाँ पे हम जब इनिशियल वैल्यू निकाल रहे थे तो आपने देखा था यहाँ पे हम एफ ऑफ जीरो प्लस मीन्स इनिशियल वैल्यू, और जब एफ ऑफ इन्फाइनाइट हम कर देंगे दैट इज फाइनल वैल्यू। तो जो फाइनल वैल्यू थ्योरम होती है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, ठीक है ना। मीन्स ये आपको पता ही है कि लिमिट जब टी टेंस टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ टी करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एस ऑफ एफ एस, ये हमने अभी पढ़ा था सबसे पहले। अब इसमें क्या है कि इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन सेम है कि एफ ऑफ टी और एफ डैश टी, एफ डैश टी इज नथिंग, इट इज डी ऑफ डी टी एफ टी, मीन्स डी ऑफ डी टी मीन्स इस फंक्शन एफ ऑफ टी का डेरीवेटिव है ना, फर्स्ट डेरीवेटिव डी ऑफ डी टी। तो ये दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, एफ ऑफ टी और एफ ऑफ डैश टी। मीन्स अगर सपोज हम कह रहे हैं कि एफ ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है तो एफ ऑफ डैश टी का क्या हो जाएगा, एस ऑफ एफ एस, ये आपने उसमें पढ़ा होगा। ये दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। और फाइनल वैल्यू लागू जो होती है कि पहली कंडीशन क्या हो गई कि एफ ऑफ टी और एफ ऑफ डैश टी दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, और दूसरी कंडीशन इसकी भी सेम है जो उसमें थी कि दोनों का इसका फंक्शन का जो एफ ऑफ इन्फाइनाइट वैल्यू जो अंतिम मूल्य है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे हमने वहां पे किया था इनिशियल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम मैं उससे आपको रिलेट इसलिए कर रहा हूँ कि आपके लिए इजी रहेगा, अगर आपने याद कर ली दूसरी भी याद हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या देखो, ये फंक्शन आपने फार्मूला पढ़ा था कि एफ ऑफ जीरो प्लस इक्वल टू मीन्स टी टेंस टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ टी लिमिट, ये लिमिट जरूर लगानी है आपको, मीन्स लिमिट तो इक्वल टू एस टेंस टू इन्फाइनाइट एस ऑफ एफ एस। अब यहाँ पे इन्फाइनाइट हो गया तो इन्फाइनाइट होते यहाँ क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू जीरो हो जाएगा और एस ऑफ एस विल बी सेम, तो इसका फार्मूला हो जाएगा फाइनल वैल्यू थ्योरम का। मीन्स फाइनल वैल्यू थ्योरम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ये पहले आना था बाद में आना था। तो लिमिट टी टेंस टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ टी इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो, मीन्स ये बस ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, मीन्स यहाँ जो टी की वैल्यू हमें इन्फाइनाइट पर निकालनी थी वो एस इक्वल टू जीरो पर निकालेंगे हम। तो ये दरअसल चेंजेस में, और बाकी पूरा का पूरा फाइनल वैल्यू थ्योरम सेम है, ठीक है। बस ये है कि फाइनल वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एस टेंस टू जीरो लेना पड़ेगा एस ऑफ एफ एस का। अब इसमें भी हमें सेम करना होगा, जैसे उसमें हमने इनिशियल वैल्यू में किया था कि सपोज किसी फंक्शन, आपने कोई फंक्शन दिया है, आपको पूछा गया है कि उसके फाइनल वैल्यू निकालिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका लैपलास निकालेंगे एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस निकाल लिया तो फिर हम निकालेंगे एस ऑफ एफ एस, फिर जो एस ऑफ एफ एस की वैल्यू आएगी उसमें हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। तो एस, ये तो बहुत ईजी हो गया, वहाँ तो इन्फाइनाइट था, बल्कि इन्फाइनाइट के लिए हमें क्या करना पड़ता, बार बार कॉमन लेना पड़ रहा था ताकि वन ओपन इन्फाइनाइट वाला बन जाए वो जीरो हो जाए, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं होगा, तो और भी ईजी हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से, सपोज ये एग्जाम दे दें, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ये फंक्शन है एफ ऑफ एस इक्वल टू वन अपॉन एस इंटू एस प्लस फोर, इसका इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू थ्योरम निकालिए। अब आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप इस फंक्शन का इनिशियल और फाइनल दोनों निकालेगा, मीन्स आज से पहले मैंने आपको दो पढ़ाए थे और तीसरा ये हो गया, अब तीनों के तीनों का इनिशियल वैल्यू भी और फाइनल वैल्यू भी निकाल के देख लीजिएगा, कोई डाउट हो आप मुझसे पूछिएगा। तो ये हम क्या करेंगे, हम पहला स्टेप एस ओ पी एफ एस निकालेंगे, तो मीन्स एस एस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस ऊपर वाला नीचे वाला कट जाएगा आपस में, देखो ये रहा एस ओ पी एफ एस मीन्स एस अपॉन एस इंटू एस प्लस फोर, एस से एस कट गया
अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे, लिमिट टेस्ट लिमिट टेंड्स टू 0 1 अपॉन x + 4, यहां पे इसका वैल्यू 0 रख दो, क्या आ गया 1 अपॉन 4, सिंपल। तो 1 अपॉन 4 इज द फाइनल वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। नाउ सेकंड एग्जांपल है, इसका भी आपको मैं फाइनल वैल्यू दिखा रहा हूं कैसे कैसे निकालना है, इसका भी आपको इनिशियल वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले पहला स्टेप क्या होगा हमारा, SOPFS, ये रहा आपका SOPFS निकालेंगे और उसके बाद इसके वो 0 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल के ये आ जाएगी। तो ये बहुत इजी है, इसको आप देख लो एक बार, इसको नोट डाउन कर लो, इन सभी इस वाले प्रॉब्लम को नोट डाउन कीजिए आप। FOPFS इक्वल टू 2OPS प्लस 51 अपॉन 47 एस स्क्वायर प्लस 67 एस, ये हो गया। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो आपको करना है, और पहला क्वेश्चन ये है आपका 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 4। तो इन दोनों का आपको इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दोनों निकालना है, ठीक है। और इधर फिर दो क्वेश्चन नोट है, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर नहीं किया फिर से देख लीजिए। एफ ऑफ एस इक्वल टू 0.9 एस प्लस 1 अपॉन 2.1 एस स्क्वायर प्लस 5 एस प्लस 16, ये क्वेश्चन हो गया, उसको आपको निकालना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया था, ये टाइम डोमेन में एफ ऑफ टी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यू टी प्लस 3 कॉस ऑफ टी यू टी। तो इसका जब आप लैपलास निकालोगे तो ये निकल के आ जाएगा, ये वाला टू अपॉन एस मीन्स यू टी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या 1 अपॉन एस, और कॉस ऑफ टी का एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तो 3 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये आप एक फंक्शन ये ले लीजिए, चाहे आप टाइम डोमेन में लिख लीजिए, टाइम डोमेन में अगर आपको एग्जाम में आता है तो उसको एस डोमेन में आप चेंज करेंगे बाय यूजिंग द लैपलास ट्रांसफॉर्म फार्मूला, और उसके बाद उसको ऐसे निकालेंगे। तो ये चार क्वेश्चन है, चारों का आप इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू निकालिए। इनिशियल वैल्यू का फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया, ये आपका फार्मूला है लिमिट मीन्स ये आप पहले लिखेंगे एफ ऑफ 0 प्लस इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू 0 एफ ऑफ टी इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट एस ऑफ एफ एस। ये आपका क्या हुआ ये इनिशियल वैल्यू फार्मूला। अब फाइनल वैल्यू फार्मूला लीजिए आप, अगर आपने नहीं लिखा अभी तक, ये क्या हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे थोड़ा सा ये गलत किया हुआ इसमें, यहाँ लिखेंगे आप सबसे पहले एफ ऑफ इनफाइनाइट इक्वल टू फिर लिखेंगे लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस ऑफ एफ एस। फिर से देख लीजिए इसको, पहले क्या लिखेंगे एफ ऑफ इनफाइनाइट, एफ ऑफ इनफाइनाइट इक्वल टू फिर लिखेंगे ये वाला लिमिट एल आई एम लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस ऑफ एफ एस। तो ये क्या हो गया आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम फार्मूला। तो ये आपके चार क्वेश्चन हैं और दो मैंने थ्योरम बता दिए, और इसी के साथ आज ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई है, 3 यूनिट। अभी तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।